नमस्कार, रीजनिंग की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम रैंकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे पहले प्रीवियस लेक्चर में। आज रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे आपको। ये क्वेश्चन सेशन है, दो क्वेश्चन सेशन में रैंकिंग का कराऊंगा। उसके बाद से हम जो है नए चैप्टर पे बढ़ जाएंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये जितने भी लेक्चर दिए जा रहे हैं 10+ कोर्स के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। अगर आप लोग इस सभी लेक्चर्स के PDF नोट्स या प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो आप PDF सब्सक्रिप्शन प्लान ले लो, जो 3 महीने तक वैलिड रहेगा, जिसे आप हमारे परीक्षा प्लस ऐप से ले सकते हो। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको कमेंट में आंसर देना है। अगर आंसर नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, मैं आंसर उसका बताऊँगा आप लोगों को। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा और रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के होते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है, जो जैसे विद्यार्थी होंगे वो अपने आप समझ लेंगे और कमेंट कर देंगे आंसर कि क्या होगा पहले का आंसर। सिंपल सा पहले टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है, इन ए क्लास रमेश इज 8 फ्रॉम द टॉप एंड 37 फ्रॉम द बॉटम, देन हाउ मेनी स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है कि एक कक्षा में रमेश ऊपर से 8वें स्थान पे और नीचे से 37वें पे है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो मैंने आपको बताया था, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ पहले, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, जिसका नहीं आया अब वो देख लो कि इसका आंसर क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है। टोटल जब भी आपको निकालना होता है, आपको टॉप बॉटम दिया हो, चाहे लेफ्ट राइट से कोई भी पोजीशन किसी भी व्यक्ति की दी हो, उस पोजीशन को ऐड करना होता है, उसमें से -1 करना होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, टॉप दिया है प्लस बॉटम दिया है, यही तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, -1। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, टॉप की पोजीशन कितना है 8 और बॉटम की पोजीशन कितनी है 37, तो 8×7 कितना होता है भैया, ये 5 हो जाएगा और 3×1 = 4, 45 -1 कर दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 44, ऑप्शन सी। जिसका ऑप्शन सी आया वो करेक्ट हो, इसका मतलब उसे ये समझ में आ गया कि ऐसे निकलता। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें भी समझने की कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो फटाफट, एकदम सभी का आंसर आ जाना चाहिए। इसमें किसी का ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंसर नहीं आया सर। ठीक है, क्योंकि मैं सब पढ़ा चुका हूँ, इसी का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन में कुछ अंतर नहीं होता है, इसीलिए मैं जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्वेश्चन लेके बताता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि लड़कियों की एक वर्ग में एक पंक्ति में खड़े होते हैं और एक लड़की दोनों तरफ से अंत से, ठीक, दोनों तरफ के अंत से, देखो क्वेश्चन पढ़ना समझना, लड़कियों की एक वर्ग एक पंक्ति में खड़े होते हैं, एक लड़की दोनों तरफ के अंत से 19वें स्थान पे है, तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। मतलब बोथ एंड से उस लड़की का जो स्थान है वो 19वां है। तो इसमें ये मत सोचना सर इसमें तो एक ही पोजीशन दिया है, दूसरा कहाँ दिया। भाई आपसे क्वेश्चन में बोल तो दिया दोनों तरफ के एंड से, दोनों तरफ के एंड से मतलब ये आपका ये पंक्ति है, तो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। इधर से भी चलोगे, इस एंड से भी चलोगे तो इसकी 19वीं पोजीशन है, और इस एंड से भी चलोगे तो इसकी 19वीं पोजीशन है। तो क्या करोगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, यही तो होता है। तो 19 + 19 - 1, 19×2 = 38, 38 - 1 कितना हो जाएगा 37। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन बी आया है वो सही हो, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कमेंट करो जल्दी से जल्दी क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ लो क्वेश्चन और आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन बोला, यदि विकास पता है कि वो दाहिने से 12वां है तथा बाएं से 4था है, तो उस पंक्ति में कितने लड़के जोड़ने से पंक्ति में 28 लड़के हो जाएंगे। ठीक है, कितने लड़के जोड़ने चाहिए कि पंक्ति में टोटल 28 लड़के हो जाए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, जिसका आंसर नहीं आया देख लो, सिंपल सा है भाई। बोला विकास को पता है कि वो दाहिने से 12वां है तथा बाएं से 4था स्थान है, दोनों दे दिया, 12वां और बाएं से कौन सा दे दिया 4था। ठीक है, और दाहिने से 12वां, तो टोटल निकाल लो पहले। टोटल क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से कितना है भाई 4 है, राइट से कितना है, दाहिने से 12 है, अब -1 कर दो तो 12×4 = 16 और 16 -1 कर दोगे तो 15। अब 15 तो ये टोटल हो गया, मगर उसमें बोल रहा कि कितना लड़कों को और जोड़ दिया जाए कि उस पंक्ति में 28 लड़के हो जाए। तो भैया 28 जोड़ने के लिए इसमें क्या करोगे, 28 में से 15 को माइनस कर दो, तभी तो हमें पता चलेगा कितना हम जोड़े उसमें। तो 8 में से 5 जाएगा 3, ठीक है, और 2 में से 1 जाएगा 13, तो 13 और 15 कितना होता है 28 होगा ना। तो वही बोला 13 और हम जोड़ देंगे तो हमारा कितने टोटल 28 लड़के हो जाएंगे। तो जिसका आंसर बी आया वो करेक्ट हो। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए रो ऑफ बॉयज जीवन इज 7th फ्रॉम द स्टार्ट एंड द 11th फ्रॉम द एंड। ठीक है, स्टार्टिंग से 7th है और एंड से 11th पोजीशन पे, और दूसरा एक रो है लड़कों का जिसमें विकास का ही पोजीशन जो है, यहाँ जीवन है यहाँ विकास है, 10th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 12th फ्रॉम द एंड। तो हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द बोथ द रो टुगेदर। दोनों पंक्तियों में लड़कों की संख्या कितनी है। हिंदी वाले हिंदी पढ़ लेना और समझ लेना। बोला लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरू से 7वां और अंत से 11वां स्थान है, और लड़कों की दूसरी पंक्ति में विकास शुरू से 10वां अंत से 12वां है। तो आपको क्या करना है, दोनों का टोटल निकालना है और प्लस करके बता देना है। और सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। पहले पंक्ति का मैं बताऊँ, रो 1 का, रो 1 का टोटल निकालूँ तो क्या होगा, इसमें कौन आएगा, जीवन आएगा। ठीक है, जीवन का लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दो। जीवन का लेफ्ट राइट क्या है भैया, 7 फॉर्म स्टार्टिंग है, मतलब स्टार्टिंग चाहे एंड लिख लो, यहाँ स्टार्टिंग और यहाँ लिख लो एंड। तो स्टार्टिंग क्या है इसकी 7th है और एंड कितनी है 11th है, -1 कर दो। तो यहाँ हो जाएगा 11 में से 1 जाएगा 10 और 7 17 हुआ। और रो 2 की बात करें हम, रो 2 की बात करें तो इसमें आता है विकास। तो विकास किया स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन, इसमें टोटल निकालना होगा रो 2 में। तो स्टार्टिंग और एंड पोजीशन -1 करेंगे। तो स्टार्ट वाला पोजीशन क्या है विकास का, देखो 10th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 12th फ्रॉम द एंड, 10 और 12 है, यही तो है, 12 में से 1 जाएगा 11, 10 और 11 ऐड करोगे तो 20 और 1 21 हो जाएगा। तो 21 रो 2 से आया और 17 रो 1 से आया। तो टोटल पूछ रहा है आपसे, तो क्या करोगे, टोटल में जब जोड़ोगे तो रो 1 प्लस रो 2 दोनों को जोड़ के आपको बताना है। तो 17 और प्लस 21 जोड़ दो, 7 × 1 8, 2 × 1 3, 38 आएगा आंसर। जिसका 38 आएगा तो भैया इसमें कहोगे सर 38 तो दिया नहीं, तो 38 नहीं दिया तो नन ऑफ दिस तो दिया है, इनमें से नहीं। ठीक है, तो आपका डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ 7 होगा यहाँ 11 होगा, दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ टोटल 17 स्टूडेंट आएंगे इस वाले रो में, और इस रो 2 में ऐड करोगे तो 10 और 12 में से 1 करोगे तो 21 आएगा, और 21 और 17 को ऐड कर दोगे तो 7 × 1 8 और 2 × 1 3, 38 आएगा। आपके ऑप्शन में 38 दिया नहीं है तो नन ऑफ दिस लगा देना आंसर। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, इसका आप पढ़ लीजिए और आंसर कमेंट करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। चलो अब जिसका नहीं आया अब देख लो क्या है क्वेश्चन में। बोला इन ए रो 57 बॉय हैं, ठीक है, एक रो में एक पंक्ति में 57 लड़के हैं। मोहन इज 21 फ्रॉम द लेफ्ट इन, देन व्हाट इज पोजीशन फ्रॉम द राइट। लेफ्ट से पोजीशन उसका दिया, राइट से निकालना है। तो मैंने आपको बता ही दिया था जब भी ऐसा क्वेश्चन एक पंक्ति दिया है। टोटल इसमें बोल रहा है 57 लोगों की कैपेसिटी है इस रो में बैठने की, जिसमें से मोहन को बोला है ये 21वें नंबर पे है मोहन। ठीक है, मोहन किधर से, लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड होता है आपका और ये राइट साइड होता है। 21 नंबर से हैं और राइट साइड से आपको पोजीशन निकालना है। तो यही फॉर्मूला हर जगह काम आएगा, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल आपको पता है 57 है, लेफ्ट आपको पता है कितना 21 है, राइट आपको निकालना है। 21 - 1 कर दोगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, 20 + r। यहाँ से करोगे तो 57 - 20 = r, राइट पोजीशन। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 7, 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा टोटल। कि इसका राइट से पोजीशन कितना होगा 37 होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है। तो जिसका आया होगा वो करेक्ट हो। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस पर मैंने कॉन्सेप्ट लगा के बताया था कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो। सिंपल सा है, बोल रहा है 48 स्टूडेंट हैं क्लास में। मोनास पोजीशन इज 12th। इफ 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास, दे आर मोर इंटेलिजेंट टू द मोना इन स्टडी, देन व्हाट इज द मोनास पोजीशन फ्रॉम द अपोजिट साइड। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 48 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोना का क्रमांक जो है पोजीशन जो है 12वां है। यदि दो नए लड़के उस कक्षा में आ जाते हैं जो मोना से बोला है ना पढ़ाई में बेहतर है, इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं यूज होगा, ये इन्फॉर्मेशन दिया है तो मोना का विपरीत क्रमांक क्या होगा, मतलब जो स्थान दिया उससे अपोजिट वाला क्रमांक क्या होगा, अदर साइड से पूछा है तो वो क्या होगा। देखो ये क्रमांक पूछा, इसका मतलब ये जो दिया गया ना पोजीशन कि मोना 12वां है, मतलब कक्षा में पढ़ने के हिसाब से जो पोजीशन आती थी रिपोर्ट कार्ड में, आपका प्रोग्रेस जो रिपोर्ट आता है उसमें आपका लिखा जाता था ना क्लास में आपकी पोजीशन कितनी 48 स्टूडेंट में फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है, ऐसा दिया रहता था ना। तो फर्स्ट वाले तो बहुत खुश होते थे और जो लास्ट वाले होते थे वो बचपन में बहुत खुश होते थे, ऐसे कि कहते थे मेरा 40 नंबर पोजीशन है, 40 मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था। अब देख लो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि अभी आपको दिया है टोटल कि इस में टोटल कितने लोग हैं, इस पंक्ति इस क्लास में 48 लोग हैं। तब इसकी पोजीशन थी 12 मोना की, कहाँ से स्टार्टिंग से टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड आया होगा, कोई फोर्थ आया होगा, फिर मोना जो है अपने क्लास में 12th आई थी। अब बोला जा रहा है कि इसमें दो लड़के और आ गए जो मोना से तेज हैं, तो मोना से जब तेज है तो उनकी पोजीशन कहीं मोना से आगे ही तो लाई करेगी, तो मोना से आगे लाई करेगी, तो दो लोगों को और हम इसमें ऐड कर देंगे, इसका मतलब इसमें पहले 11 लोग थे इससे पहले, तो इससे पहले दो लोग और आ जाएंगे, तो 11 के बाद 12, 13 लोग और, मतलब टोटल इससे पहले अब 13 लोग होंगे। अब मोना का पोजीशन कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि जब दो लोग और एक्स्ट्रा आ गए तो अब मोना की पोजीशन हो जाएगी 14, क्योंकि पहले क्या थे, इससे पहले 11 लोग थे मगर अब दो लोग और ऐड हो गए तो अब इससे पहले 13 लोग होंगे। देखो ठीक है, इससे पहले 13 लोग होंगे और मोना की पोजीशन हो जाएगी 14। अब मोना की पोजीशन अगर 14 हो गई तो अब आपसे बताना है आपको कि इधर इस एंड से कि अगर कक्षा में अब कितने लोग हो गए, 48 थे तो अब 50 हो गए, दो लोग और बढ़ गए भैया, 48 दो 50, तो अब 50 लोगों की कक्षा में मोना अगर पूछा जाए मोना लास्ट से कक्षा में कौन से रैंक पे है तो बस निकाल लो टोटल इक्वल टू, ठीक है, स्टार्टिंग और एंड पोजीशन -1। तो स्टार्टिंग से मोना की पोजीशन 14 है, एंड से आपको पता करना -1, यहाँ 50 है टोटल, ठीक है, तो 14 - 1 कर दोगे तो यहाँ तो 13 हो जाएगा। आप 50 में से 13 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, ठीक है, और 4 में से 1 जाएगा 3, 37 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये आपका 14 ये है, स्टार्टिंग से हो जाएगा इसकी पोजीशन और लास्ट से निकालना, टोटल 50 लोग हैं, 14 - 1 करोगे 13 और 50 में से 13 माइनस कर दोगे तो 10 में से 3 जाएगा 7 और 4 में से 1 जाएगा 3, 37 लोग, तो उसकी लास्ट से कक्षा में पोजीशन हो जाएगी 37। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला आपका क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर कमेंट करो। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर जिसका आ गया उसका सही है, जिसका नहीं आया वो देख लो। इसमें कुछ नहीं है, एक रो बना दिए हम, इसमें ए का ही अलग अलग टाइप से आपका दिया है। बोला ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से आप ये जानते हो ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। ए जो है यहाँ पे है आपका वो 13 है, किधर से, लेफ्ट साइड से। उसके बाद से इसी रो में ए का 11th है फ्रॉम द राइट एंड, राइट साइड से इसी में ये किस पे है, 11 पे है। तो अब हम ए से टोटल निकाल सकते हैं ना, टोटल हम निकाल सकते हैं क्योंकि ए का हमें लेफ्ट और किसी भी रो में लेफ्ट और राइट पता चल जाए तो हम टोटल निकाल सकते हैं। तो 13 + 11 - 1 कर सकते हैं, तो 13 + 11 कितना हो जाएगा, यहाँ 10 कर दो, 11 में से 1 जाएगा 10, तो 13 + 10 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 23 हमारा टोटल आ गया। अब डी का क्या माजरा है उसे देख लेते हैं। डी का ये माजरा है, डी का बोला डी जो है वो 17th है फ्रॉम द राइट एंड, मतलब डी मान लो मैंने कहीं मान लिया, ये डी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ जब ये 11 पे है इधर से तो 17 है, कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा डी जो है आपका। तो ये राइट एंड से जो डी है यहाँ पे 17 पे है। अब इसका पूछ रहा है कि लेफ्ट से इसकी पोजीशन कितनी होगी, ठीक है, तो इसमें टोटल आपको पता है डी के रिस्पेक्ट में देख लें, टोटल हमें पता हो गया 23 क्योंकि यही रो है, इसी में दोनों आएंगे ए और डी दोनों। तो राइट से इसका पता है कि राइट से लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, लेफ्ट से हमें पता करना है, राइट से ये किस पोजीशन पे है, 17 नंबर पे है। -1 तो 17 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ टोटल हमारा कितना 23 है, और 23 में से हम 16 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 8 आपका कितना बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13, 7 यहाँ हो जाएगा, 7×6=13 होता है आपका, और यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपका बच जाएगा कितना, लेफ्ट से 7वां पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। जो डी है वो लेफ्ट से किस पे होगा, 7वें नंबर पे होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, पहले क्या करना है कि जिसका देखो किसी भी आइडेंटिटी का लेफ्ट और राइट दिया है तो पहले जान लो कि वहां से हमें टोटल निकालना है। तो उस पंक्ति का टोटल आ गया। अब जब टोटल आ गया तो आपसे पूछा क्या है, डी का राइट एंड से दे दिया है पोजीशन और लेफ्ट एंड से पूछ रहा है। तो जब आपके पास टोटल है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसका कोई भी उसमें आ जाए उस पंक्ति में। तो मैंने वही किया, पहले एक के लेफ्ट राइट से टोटल निकाल लिया, फिर डी का जो निकालना था लेफ्ट से किस पोजीशन पे है तो मैंने टोटल और इसका जो राइट दिया होता उसका यूज करके मैंने उसका लेफ्ट निकाल लिया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इसका आंसर कमेंट करो भाई। बोल रहा है इसमें कि बच्चों की एक पंक्ति में बाएं के अंत से मोहन का स्थान 13वां है। मतलब एक पंक्ति में बाएं से मोहन का स्थान 13वां है और दाएं के अंत से प्रवीण का स्थान 12वां है। दो लोग हैं इसमें, एक है भैया मोहन, एक है भैया प्रवीण, ठीक। अंत से बाएं के अंत से 18वां है। तो पंक्ति में मोहन के दाएं से कितने बच्चे हैं, ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन्स आर टुवर्ड द राइट ऑफ मोहन इन दैट रो, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, देखो एक मैं पंक्ति बना दे रहा हूँ। अब इसमें क्या बोल रहा है, जो बोल अब कि मोहन 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड से, यहाँ से जो है वो मोहन जो है कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे है। और प्रवीण जो है वो 12th फ्रॉम द राइट एंड, कोई प्रवीण है भैया, मैं बना दिया आप प्रवीण है, वो राइट साइड से 12वें स्थान पे हैं। और 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, और यही प्रवीण जो है वो लेफ्ट एंड से 18 पे हैं। तो देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन आसान हो गया कि आपका प्रवीण का लेफ्ट भी पता चल गया और राइट भी पता चल गया। देखो प्रवीण का लेफ्ट 18 है और इसका राइट कितना है, 12 है। तो टोटल निकाल सकते हो, टोटल क्या हो जाएगा, 12 + 18 - 1, ठीक। तो 8×2 = 10, 1×1 = 2, 30 - 1 हो जाएगा 29, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 30 - 1 29। तो टोटल इस पंक्ति में हम कह सकते हैं, टोटल इस पंक्ति में 29 लोग हैं। अब इस 29 लोग में अब आपसे पूछा क्या है कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन्स आर टुवर्ड द राइट ऑफ मोहन, मोहन के राइट में मोहन का राइट कौन सा पड़ेगा, उसका राइट हैंड साइड, इस साइड में पूछ रहा है कि कितने लोग बैठे हैं। तो भैया मोहन का लेफ्ट में तो हम बता देता अगर पूछता तो, क्योंकि इसका 13 पोजीशन ही है तो 12 लोग बैठे होंगे, ठीक। मगर आपसे पूछ रहा है कि राइट में कितने लोग बैठे हैं, तो आपको पहले मोहन का जो है राइट साइड से उसकी पोजीशन निकालना पड़ेगा कि मोहन का राइट साइड से कितना पोजीशन है, ठीक। तो आप मोहन के रिस्पेक्ट में निकाल लो, टोटल आपको पता है मोहन का लेफ्ट, मोहन का राइट -1, मोहन का लेफ्ट कितना है 13 है, ठीक। और टोटल आपको पता है 29 है। तो राइट आप मोहन का निकाल सकते हो, 13 - 1 + r, तो यहाँ हो जाएगा 12। तो 29 - 12 कितना हो जाएगा, 29 में 9 में से 2 जाएगा 7 और 2 में से 1 जाएगा 1, 17, ठीक है। तो राइट साइड से मोहन जो है आपका 17 नंबर पे आएगा, ठीक है। अब ये राइट साइड से आपका 17 नंबर पे आएगा मोहन। तो जब राइट साइड से 17 पे आएगा तो उससे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसके पीछे कितने लोग हैं। तो इसके पीछे कितने लोग होंगे, मोहन के 16 ही लोग तो होंगे, 17वां तो इसका खुद का पोजीशन होगा। तो यही आपसे पूछा कि उसके पीछे मतलब मोहन के दाएं से कितने बच्चे हैं, मोहन के दाएं कितने बच्चे हैं, तो मोहन के दाएं कितने बच्चे हैं 16 हैं, ऑप्शन ए सही होगा। 17 मत मार देना, उसकी पोजीशन ना मार देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर पूछता कि मोहन दाएं से किस पोजीशन पे है तो 17 आंसर सही होगा, मगर पूछा है कि मोहन के दाएं कितने लोग हैं तो 17वां तो वो खुद ही है, उससे पीछे कितने लोग हैं 16 लोग हैं, ठीक है, तो वह आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आंसर इसका सभी लोग कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला रमन इज 15th फ्रॉम द फ्रंट इन ए कॉलम ऑफ बॉय, बॉय के एक कॉलम में, ठीक है, रमन का जो स्थान है शुरुआत से 15वां है। देयर वर थ्राइस एज मैनी बिहाइंड हिम एज देयर वेयर इन फ्रंट। अब क्या बोल रहा है कि जितने लोग उसके फ्रंट में हैं उससे 3 गुना लोग उसके पीछे हैं। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन बिटवीन रमन एंड द 7th बॉय फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉलम। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितने लड़के होंगे रमन और एंड से 7वां लड़कियों के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, मैं इसे छोटा कर दे रहा हूं और यहां बना दे रहा हूं, ड्रॉ कर दे रहा हूं आपके सामने कि ये कॉलम है, इस कॉलम में बोल रहा है कि यहाँ से शुरुआत हुआ है यहाँ से एंड हुआ है, ये आपका स्टार्टिंग है और ये आपका एंड है। तो बोला रमन इज 15 फ्रॉम द फ्रंट ऑफ कॉलम, यहाँ से 15वें नंबर पे कौन है, रमन भाई साहब हैं, यहाँ से 15वें नंबर पे, ठीक है। उसके बाद से बोला देयर थ्राइस, मतलब यहाँ देख लो हिंदी में जो हिंदी वाले हो कि उससे 3 गुना लड़के उससे पीछे थे, इससे 3 गुना, किससे 3 गुना, जितना उसके आगे हैं। तो आगे कितने लड़के होंगे 14 ही तो होंगे, क्योंकि 15वां स्थान तो इसी का, इसके आगे कितने लड़के होंगे 14, तो 14 के 3 गुना लड़के, मतलब 14 × 3 लड़के उसके पीछे हैं, मतलब कितने लड़के हैं 14 × 42 लड़के, 42 लड़के रमन के पीछे हैं, ठीक। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रमन एंड द 7th फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉलम, यहाँ से एंड से 7वें नंबर पे जो लड़का है जो बॉयज है उसके और इसके रमन के बीच में कितने लोग आएंगे ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ये देखो कि अभी क्या है टोटल कि यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ के यहाँ से और यहाँ के बीच में आपको निकालना है कि इनके बीच में कितने लोग होंगे। तो आपको सिंपल सा बात पता है कि उससे निकालने के लिए हम निकाल लेते हैं, मैंने आपको कल बताया था ऐसे रो लेके कि जब भी आपसे पूछे कि यहाँ पे कोई इंसान है यहाँ पे कोई इंसान है, ये आपको दे दे कि ये यहाँ से 10 नंबर पे हैं, ये यहाँ से 20 नंबर पे हैं, ठीक, और यहाँ पूछे कि इनके बीच में कितने लोग हैं, तो क्या करो टोटल अगर आपको पता हो तो 10 + x + 20 बराबर ये पूरा टोटल ही तो होगा, ये पूरा टोटल ही तो होगा, बराबर टोटल यही तो होगा, ये पूरे रो के वैल्यू है, इसमें से x की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, बस वही करना है भाई, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ से यहाँ तक पता है कितने लोग हैं 15 लोग हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 15 लोग हैं, बीच में हमें नहीं पता, हम उसे मान लेते हैं x लोग हैं, वही हमें पता करना। और यहाँ से एंड से कितने लोग हैं 7 लोग हैं, ठीक है, 7 लोग हैं एंड से, और टोटल कितना है, अब ये किसके बराबर होगा टोटल के, तो टोटल हमें देखना है, तो टोटल देख लो टोटल कितने हो जाएंगे। अब देखो 42 तो इसके जस्ट नीचे हैं रमन के, तो रमन का नीचे से देखा जाए तो कौन सा स्थान हो जाएगा 43 हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि 42 जस्ट इसके पीछे हैं तो 43वां तो वही होगा, ठीक। तो अब हम टोटल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, तो टॉप कौन सा है कितना है 15, बॉटम कितना है आपका 43, माइनस कर दो 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 42 + 15, 5 × 2 = 7, 4 × 1 = 57, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 57 आ जाएगा। तो हम ये इसके इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 + x + 7 = 57, ठीक, यहाँ से 7 यहाँ से माइनस कर दोगे तो ये 50 - 15 कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्यों आएगी कि नहीं, 50 - 15 किए तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, तो x की वैल्यू आ गई 35, तो 35 लोग इसके बीच में होंगे, मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच में 35 लोग बैठे होंगे रमन और यहाँ से एंड से सातवें लड़के के बीच में 35 लोग होंगे, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यह 35 लोग करेक्ट होगा इसका आंसर। तो जिसका सी आया वो करेक्ट हो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, यहाँ से 15 है, यहाँ से 7वां है, इसके बीच का पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा आए टोटल निकालना, प्लस ये कर दो, टोटल के बराबर कर दो। और टोटल कैसे आ जाएगा? टोटल हमें इन्फॉर्मेशन दिया है कि इसके आगे 14 लोग हैं, इसके जस्ट ट्रिपल जो है इसके पीछे हैं रमन के, तो ट्रिपल पीछे मतलब 42 लोग हैं। तो यहाँ से एंड से रमन की पोजीशन 43 हो जाएगी, 43 प्लस 15 जोड़ लेंगे, माइनस 1 कर देंगे, तो हमें टोटल पता चल जाएगा कि 57 लोग हैं। और इस 57 में हम यहाँ इस वाले इक्वेशन में कि 15 प्लस एक्स प्लस 7 बराबर 57 रख देंगे, तो हमें एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगी, बस और कुछ नहीं करना था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है क्या होगा, जिसका नहीं आएगा मैं बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ लो और आंसर कमेंट कर दो, जिसका नहीं आया अब देख लो क्या होगा इसका आंसर। बोल रहा एक रो में, ठीक है, दीप्ति इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट एंड कशिश इज 13 फ्रॉम द राइट। दो लोग हैं दीप्ति और कशिश, दे एक्सचेंज देयर पोजिशन एंड देन दीप्ति बिकम 17 फ्रॉम द लेफ्ट। Find the new position of Kashish from the right end. हिंदी वाले देख लो, बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं से 9वीं और कशिश दाएं से 13वीं है, तो वे अपनी जगह बदल लेते हैं, तब दीप्ति बाएं से 17वें स्थान पर बन जाती है। तो कशिश की नई जगह बताइए दाहिने छोर से, ठीक है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको इस टाइप का एग्जाम्पल मैंने कराया था, अब मैं ये क्वेश्चन छोटा कर दे रहा हूँ और इसका आंसर मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है ये रो है, ठीक है, बोला दीप्ति इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से ये जो दीप्ति है लेफ्ट साइड से कौन से पोजीशन पे है? दीप्ति 9th पोजीशन पे है, ठीक है। और इसी के साथ कशिश है, मैं के से डिनोट कर रहा हूं, कशिश जो है वो 13th है, 13 नंबर पे है राइट साइड से, ठीक है। उसके बाद दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, ये अपने पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं, तो यहाँ कशिश और यहाँ दीप्ति, ठीक। अब ये रो बना दिए, रो तो वही रहेगी आपकी, मगर सिर्फ पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगा। तो पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये जो है कशिश जो है लेफ्ट से आपके 9वें नंबर पे, देखो लेफ्ट से 9वें नंबर पे हो जाएगी, और जो आपकी दीप्ति है वो क्या होगा, उसका जो है राइट एंड से राइट साइड से 13वें नंबर पे, ये कह सकते हैं, क्योंकि कशिश की तो जगह दीप्ति ली है, तो जब कशिश 13 पे थी तो ये भी राइट साइड से 13 पे होंगे, और जो ये दीप्ति की जगह कशिश ली है तो यहाँ भी लेफ्ट से ये 9 नंबर पे था, तो कशिश भी जो है लेफ्ट से क्या होगा, 9 नंबर पे होगा। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। बोल रहा है कि दीप्ति बिकम 17 फ्रॉम द लेफ्ट। अब जब एक्सचेंज हो जाता है पोजीशन, तो दीप्ति की जो पोजीशन है नई पोजीशन लेफ्ट से कितने नंबर पे है? आपका 17वें नंबर पे है, ये 17 नंबर पे है। तो देखो दीप्ति की राइट और लेफ्ट दोनों पता चल गया, तो हम टोटल निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, 13 प्लस 17 माइनस 1, तो 17 7 3 10 1 1 2 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 29 लोग इस पूरे आपके रो में बैठे हुए हैं। अब 29 में आपसे पूछ रहा है, क्योंकि इस रो का टोटल हमें पता चल गया, 29 में हमें कशिश का पूछ रहा है पोजीशन किधर से? राइट साइड से। राइट साइड से इस कशिश का पोजीशन पूछ रहा है, ये हमें पता करना है राइट साइड से कशिश का पोजीशन। तो हमें कशिश का लेफ्ट पता है और टोटल पता है, टोटल तो हमें पता है, कशिश के बारे में देखें तो इसका टोटल पता है 29, इसका लेफ्ट पता है कितना? 9, राइट हमें पता करना है, ठीक। तो बस हम वही फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितना है हमारे पास? 29 है, लेफ्ट से ये 9 नंबर पे है, राइट हमें पता नहीं है, माइनस 1 यहाँ हो जाएगा। तो 29 में से आप क्या करोगे, 9 माइनस करोगे, तो यहाँ हो जाएगा 20 और प्लस 1 कर दो, तो ये राइट साइड से इसकी पोजीशन आ जाएगी। राइट से ये किस नंबर पे है? 21 नंबर पे है कौन, कशिश। ठीक है, जो कशिश है आपकी राइट साइड से 21 नंबर पे है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो पहले हम टोटल निकाल लेंगे दीप्ति के इन्फॉर्मेशन से, आ गया 29, फिर 29 का टोटल का यूज करके हमें कशिश का लेफ्ट पता है, राइट निकालना है, तो 29 में से 9 माइनस करें 20 और ये -1 वाला इधर आएगा +1 हो जाएगा, तो हमारा राइट से इनकी कशिश की जो पोजीशन आ जाएगी 21 आ जाएगी। तो जिसका जिसका 21 आया हो वो सही हो। अगला क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस जैकपॉट क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था और जिसका नहीं आया वो अब देख लो कि इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा है, मैंने बता दिया था जब भी आपको न्यूनतम निकालना हो, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था कि न्यूनतम जब भी पूछे तो आपको क्या यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल टर्म माइनस 2, यही आपका मिनिमम नंबर ऑफ जो है पीपल या जो भी लोग होंगे वो देगा रो में। ठीक है, और इसके लिए मैं बताया था ये फार्मूला तब काम करेगा कि एक बार आप चेक करना कि ये मिडिल टर्म जो आपका दिया है कि मिडिल में कितने लोग बैठे हैं, वो इन पोजीशन में से जो पोजीशन दिया रहता है दोनों की, उस पोजीशन में से सबसे मिनिमम पोजीशन जिसकी होगी उससे 2 कम होने चाहिए। तो 20 में से 2 कितना होगा, 18, तो इसका मतलब मिडिल में सिर्फ 18 लोग बैठ सकते हैं, 19 नहीं बैठ सकता। अगर यहाँ 19 होता तो ये हम कहते कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मगर यहाँ 18 है तो इसका मतलब उसके बीच में 18 लोग बैठ सकते हैं, तो 18 लोग बैठ सकते हैं, इसका मतलब इसका आंसर निकाला जा सकता है। तो लेफ्ट प्लस राइट का सम कितना होगा, 20 + 30 माइनस का 18 - 2, तो यह होगा 50 और ये होगा 20, तो 50 - 20 कितना हो जाएगा, 30, तो इसका आंसर 30 आएगा। जितने लोगों ने दिया था वो सही है, सभी का आंसर 30 आया था। ठीक है, आज के लिए आपके पास जैकपॉट क्वेश्चन है, आज का ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ लो सभी लोग और इसका आंसर कमेंट करना। चलिए अब मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, क्वेश्चन सेशन ही मैं लेके आऊँगा। इसके आगे के जो टाइप थे मिनिमम मैक्सिमम और कुछ मिक्स जो है, दूसरा आपका क्वेश्चन सेशन होगा, उसके बाद से ये चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा और नए चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और जो लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।